अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अब्बास फ्रॉम द बॉर्डर टेक। आज की वीडियो में एक बहुत ही कॉमन डिमांड पे बनाने जा रहा हूँ और वो है कि मैं कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करूँ ऑन अपवर्क। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि अब क्लाइंट्स उनके प्रपोजल्स पर रिप्लाई तो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी गाइडेंस फॉलो की थी और कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने और भी जगह से देखी थी। तो अब जब उनको रिसीव हो रहे रिप्लाईज टू हाउ टू कम्युनिकेट विद देम इज द की पॉइंट। आपको पता है कि अपवर्क की मैसेंजर पे ज़्यादातर तमाम जो भी कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में होती है। तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि क्या टिप्स हैं जो मैंने पिछले 5 साल में सीखी हैं या 6 साल में सीखी हैं, जिन पे मैंने अमल करके अच्छे कम्युनिकेशन की और अल्लाह का शुक्र है मेरा आज तक किसी क्लाइंट से कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या टिप्स हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन पर इस वक्त जो कि अब मैं आपको सामने नज़र आ रहा होगा मेन स्क्रीन पर, इसके अंदर आप गौर कर रहे हैं कि इस वक्त मेन स्क्रीन जो अपवर्क की आफ्टर साइनिंग इन होती है वो खुली हुई है। इसके अंदर मैं ये हाईलाइट करता हूँ ट्रैक टाइम विद डेस्कटॉप ऐप, ये आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी विंडोज़ के जो वर्जन के मुताबिक जैसे विंडोज 32-bit है या विंडोज 64-bit है उसके मुताबिक आपने क्लिक करके जैसे मेरा 64-bit है डाउनलोड अपवर्क डेस्कटॉप ऐप दबा देना है। जब आपको ये हो जाएगा तो अब आपकी वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने उस ऐप को खोल लेना है। अच्छा, अब उस ऐप को खोलने के बाद उसमें दो चीज़ें कवर्ड होती हैं। एक होता है आपके जो आवर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका ज़ाया पता है टाइम ट्रैकिंग होती है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आवर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स की ये वीडियो नहीं है तो मैं आपको वो बाद में समझाऊँ किसी और वीडियो में, लेकिन उसमें आवर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स की आप ट्रैकिंग ऑफ टाइम कर सकते हैं। और नंबर टू, यू हैव द अपवर्क मैसेंजर जिसके ऊपर आप तमाम क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपसे वो पूछ रहे हैं उनको कोई वो सैम्पल्स और मांगते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज, वहाँ पर आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पर आप सबमिशन ऑफ माइलस्टोन कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें कवर्ड हैं अपवर्क मैसेंजर में। ये एप्लीकेशन के साथ साथ आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, या अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पे, वहाँ पर जाके आपने सर्च में लिखना है अपवर्क फॉर फ्रीलांसर्स या फ्रीलांसर अपवर्क। फ्रीलांसर की अपनी ऐप है, क्लाइंट की अपनी ऐप है अपवर्क पे। आपने फ्रीलांसर वाली डाउनलोड कर लेनी है। जब ये कर लेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि आप जब साइन इन करते हैं उसके बाद तो ये आप एक स्टेप अप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि देखें, लैपटॉप हमेशा साइन इन नहीं रह सकता, आप कभी बाहर जा सकते हैं, मोबाइल आपके पास हमेशा होता है। और अपवर्क पे एक बहुत मेजर एल्गोरिथम जो है वो ये है कि वो उन लोगों को ऊपर पुश करता है इन द सर्च रिजल्ट्स जो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं अपवर्क पे। तो आपने अपने मोबाइल पे अगर एक्टिव रहे थ्रू द अपवर्क ऐप, ये नहीं कि अपवर्क ऐप मुझसे आपने खुले रखनी है, आप उसको इंस्टॉल करके उसको रनिंग इन द बैकग्राउंड अलाउ कर देना है कि वो चलती रहे ऐप, ताकि आपके पास आपका जो स्टेटस है वो अवे या अवेलेबल मुस्तकिल लिखाता रहे। ये ना हो कि आप ऑफलाइन लिखे आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं जब वो प्रपोजल आपको इनविटेशन भेजते हैं आपको, तो यू हैव बेयरली 30 मिनट्स का एक पीरियड जिसमें नॉर्मली वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैंने इतने लोगों को इंटरव्यू किया है, इसमें ये मुझे लग रहे हैं ये 3 या 4 जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉम्प्ट रिप्लाइज किए जाएँ, क्योंकि इतने बंदे हैं, इतनी कंपटीशन है, अगर आप प्रॉम्प्ट रिप्लाइज नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपवर्क डेस्कटॉप ऐप और अपवर्क की मोबाइल ऐप, डिपेंडिंग ऑन iOS या एंड्रॉयड, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, अब मैं आपको वो 5 बताता हूँ टिप्स जो कि आपने फॉलो करनी है। नंबर 1, मैं अभी मुझे किसी क्लाइंट का रिप्लाई आता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माई जॉब और आपको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, अब आपका इंटरव्यू फेज आई है। सबसे पहले आपने कभी भी ये हाय सर हाय मैडम, ये ग्रीटिंग्स सर ग्रीटिंग्स मैडम, कि सर मैडम आपने नहीं करना। क्यों? मैं इसे बताता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे यार रिस्पेक्ट दे, आपकी बिल्कुल बात सही, रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए करना चाहिए, लेकिन अपवर्क पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप लिखेंगे ना ग्रीटिंग्स जेम्स, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल जेम्स है, या ग्रीटिंग्स बस सिर्फ ग्रीटिंग्स लिख दें बेशक, तो उसका नाम से मुखातिब करें या फिर ग्रीटिंग सिर्फ लिख दें, बार बार सर मैडम करेंगे तो इट वो समझेगा कि यार ये बहुत ही कोई लाइक इसको अपनी स्किल्स पे अभी शायद उतना वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह बिछ रहा है मेरे सामने। मैं इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ समझाने के लिए अपने व्यूअर्स को
कि आपने बहुत बिछना नहीं है, आपने थोड़ा सा अपना रखना है कि यस आई एम प्रोफेशनल, बेशक आपका कोई हिस्ट्री ना हो अब तक पे, आपको अपनी मेंटेन करनी कि यस आई एम प्रोफेशनल। जब आप मेंटेन कर लेते अपनी कि अब आपकी बातचीत शुरू हो गई, तो सबसे पहला टिप आपको मैं बता दी मैंने, नंबर टू टिप ये है कि आपने जितनी लंबी मर्जी आपके क्वेश्चन हों, जितने डम भी क्वेश्चन आपके हों, मतलब बिल्कुल फजूल क्वेश्चन हों, आप पूछते रहें, बिकॉज एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसके बाद आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका कोई जवाब ऐसा आता है जो कि आपके एक्सपेक्टेशंस के उलट है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं कर सकते विदाउट पुटिंग अ नेगेटिव फीडबैक ऑन योर प्रोफाइल। और आप नहीं चाहते कोई भी कि यार हमारे प्रोफाइल शुरू में ख़राब हो जाए, तो आपने क्या करना है प्रॉपरली इवन ऐसा सवाल भी हो ना कि ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करना है या फिर गूगल डॉक्यूमेंट पे करना है, ये भी पूछ लें। इस हद तक भी बेसिक सवाल हर चीज़ पूछें, क्लियर आउट करें, क्लाइंट को भी नज़र आएगा यस दिस पर्सन इज सीरियस। ठीक है, नंबर थ्री टिप फिर बताता हूँ आपको। नंबर थ्री टिप ये है कि आपने क्या करना है कि ये इंश्योर करना है कि आफ्टर इंटरव्यू में आ जाए तो ये ना समझें कि अब वो सैम्पल्स नहीं मांग सकता। सैम्पल्स की अपनी एक पूरी लाइब्रेरी तैयार रखें, अपनी पूरी जैसे एक फोल्डर बनाएं। ये ग्राफिक डिज़ाइन फॉर एग्जाम्पल आप तीन चीज़ों में काम करें, दो चीज़ों में काम करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, तो एडोब फोटोशॉप पे काम करें, एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करें, दोनों के अलग अलग फोल्डर बनाएं, अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज रखें, उसमें ना एडोब इलस्ट्रेटर सैम्पल्स, एडोब फोटोशॉप सैम्पल्स, इस तरह वो कुछ भी मांगे आपसे आप एकदम इस तरह सबमिट करें। और सैम्पल्स को मोबाइल में ज़रूर शिफ्ट कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे शायद बाहर कॉन्टैक्ट करें, आपसे सैम्पल्स मांगे, आप बाहर हैं फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, तो आप तो सस्टेन नहीं कर सकते कि इतनी देर वो वेट करेगा आपका। अगर अच्छा क्लाइंट तो शायद वेट भी कर ले, लेकिन उसके पास और भी फ्रीलांसर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो क्यों ना सारी फाइल्स को रेडी टू गो ऑन योर मोबाइल भी रखा जाए, जो कि मेरी फोर्थ टिप है। थर्ड टिप ये थी कि आप लोग अपने सैम्पल्स तैयार रखें, इंटरव्यू के फेज में भी वो मांग सकते हैं आपसे। और चौथी टिप इसी से लिंक थी कि आप उनको अपने मोबाइल में भी स्टोर करके रखें। मोबाइल में स्टोर करके रखेंगे आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, ये टाइम टेस्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये इंश्योर करना है कि अपवर्क मैसेंजर जो आपका है उसमें कहीं भी आपके एक्सटर्नल लिंक्स ना हों, लाइक स्काइप के आपका मोबाइल नंबर, आपके कोई भी फाइबर का लिंक या किसी और वेबसाइट का लिंक कि मैं यहाँ काम किया हुआ है, बिकॉज अपवर्क एल्गोरिथम पकड़ लेता है और विद इन 10 डेज आपको अप्रोच करके वो आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं टेम्परेरली, और वो बहुत ही बुरी बात होती है, तो प्लीज़ इसका ख्याल कीजिएगा। फिफ्थ टिप ये थी, एक बोनस टिप बताता हूँ आपको। आपने कैसे ग्रीटिंग्स तो कर दी आपने, अब आपने बात कैसे करनी है फर्स्ट टाइम, तो आपने ना स्टार्ट और एंड कवर लेटर की तरह नहीं करना अपना, अब आप थोड़ा नेचुरल ह्यूमन जैसे चैट होती है ना उस तरह करें, जैसे कि ग्रीटिंग्स के बाद आप उस तरफ आ जाएं कि आपने जो काम पोस्ट किया है आई वाज लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसको अब काम इसको मैं ऑफर करूं आपको, क्योंकि आई हैव सच अ लॉन्ग पास्ट इन कमिटिंग सच प्रोजेक्ट्स, तो मैं चाहता था कि आपकी ये प्रोजेक्ट पे करूँ, आई कैन जस्ट प्रोवाइड अनदर सैम्पल, आप खुद सैम्पल ऑफर करें, बताऊँ क्या होगा उससे, 5 freelancers तो शॉर्टलिस्ट किए हुए, आप बार बार ईगर नजर आ रहे होंगे ना, तो लगेगा यस ही और शी इज वेरी ईगर टू कमिट दिस प्रोजेक्ट एट अ वेरी गुड क्वालिटी। और फिर क्योंकि अक्सर नए फ्रीलांसर्स होते हैं, वो कौन एकदम अट्रैक्ट करता है, वो कहेंगे यार ये 100% जॉब सक्सेस रेट या 90% जॉब सक्सेस रेट के भी लोग हैं मेरे पास, मैं उनको क्यों ना ऑफर कर दूँ। तो आप शुरू में अगर बिल्कुल स्टार्ट करें तो ये मैंने टिप फॉलो की थी और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, वो ये है कि आप कहते हैं उसको कि आई कैन ऑल्सो ऑफर सम सैम्पल वर्क टू प्रूव माई सेल्फ ऑन अपवर्क, लेकिन ये इंटरव्यू में कहना है आपने। क्यों? क्योंकि वहाँ वो कहेगा अच्छा यार चलो ठीक है मैं रेगुलर फ्रीलांसर से अपने काम कराता हूँ, तुम्हें भी दे देता हूँ कि चलो आप भी कर लो और मे भी आपका काम इतना अच्छा लग जाए मुझे कि मैं आपको रेगुलर हायर कर लूँ। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मैंने एक जॉब पर अप्लाई किया था और वो जॉब जब मैं एक्सेप्ट हुआ था मैं सैम्पल के तौर पर एक्सेप्ट हुआ था, सैम्पल वर्क के तौर पर, और सैम्पल वर्क मैंने रिप्लाई जब मैंने डिलीवर किया जो उनको इतना पसंद आया कि नाउ टिल दिस डेट आई एम देयर रेगुलर फ्रीलांसर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंग्लिश अगर आप राइटिंग की फील्ड में हैं तो ग्रामर का बड़ा ख्याल कीजिएगा अपनी कम्युनिकेशन में, अगर आप नहीं हैं उसमें तो ग्रामर स्पेलिंग्स का इतना मसला नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि क्यों ना ख्याल कर लिया जाए। अगर लोकल क्लाइंट्स हैं इंडो पाक के तो कोई इशू नहीं है, अगर बाहर के क्लाइंट्स हैं
स्पेसिफिक यूएसए के, तो मैं कहता हूँ कि वर्ड पे साथ एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लें, उस पर जो भी आप टाइप कर रहे हैं अपने रिप्लाईज वो लिख के स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लें एक दफ़ा, तो बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा नाजुकी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी राइटिंग वाली फील्ड है अपवर्ड पे उनको बहुत ख्याल करने की जरूरत है, बिकॉज वो इवन अक्सर आपकी चैट्स में ही देख रहे होते हैं कि हाउ प्रोफेशनल यू आर। एंड नो कॉन्ट्रैक्शन शुड बी यूज, यानी कि योर को यू आर नहीं लिखना, अपने वाई ओ यू आर पूरा लिखना है। इस तरह जितने भी हम कॉन्ट्रैक्शन अपने डेली टेक्स्ट मैसेजेस में इस्तेमाल करते हैं, नेवर यूज देम ऑन अपवर्ड, नेवर, चाहे क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हो आपने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं वीडियोस कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जैसे ये टॉपिक था जिन पे मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा, बिकॉज माई एम इज़ एंड माई मिशन इज़ टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अब्बास फ्रॉम द पॉलिटेक साइनिंग आउट।